हाय फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीटी मैक्स पर। आज का हमारा वीडियो है दोस्तों, प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 से जो ट्रैक बरेली की तरफ डाली जा रही है दोस्तों, उस ट्रैक की सारी जानकारी दूंगा। मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए और नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लें आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोस्तों, ये प्लेटफार्म नंबर 4 की लाइन है जो अभी डाली जा रही है, जिसके लाइन के नीचे पक्की फर्शिंग करी जा रही है दोस्तों, जिससे प्लेटफार्म के दोनों साइडों में जो लाइनें साइडों में लाइनें पड़ी होती हैं उसमें पक्की फर्शिंग करी जाती है नीचे। उस फर्शिंग का वीडियो है दोस्तों, देखिए ये फर्शिंग करके इसके ऊपर आरसीसी के सिरे पर डाल के उस पर ट्रैक डाली जा रही है दोस्तों। ये प्लेटफार्म नंबर 3 है और ये है प्लेटफार्म नंबर 3 का नज़ारा दोस्तों, ये जिसमें फर्शिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और प्लेटफार्म नंबर 4 पर काम अभी चल रहा है। लेकिन हमारा वीडियो है दोस्तों ट्रैक की जानकारी के ऊपर, तो हम इसमें पूरी ट्रैक की जानकारी देंगे, आपको आगे लेकर चलेंगे। ये प्लेटफार्म नंबर 3 के साइड में जो 2 नंबर की ट्रेन ट्रैक से 3 ट्रैक बरेली की तरफ गई हैं दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुकी हैं ये ट्रैक, जिन पर ट्रेन चल रही है। ये सामने आगे जाकर बरेली रोड पर एक ट्रैक बनी है जिसमें 2 स्टॉपर दिए गए हैं, और ये वो ट्रैक है जो प्लेटफार्म नंबर 3 से और 4 से सीधी बरेली की तरफ को डाली जा रही है दोस्तों। उस ट्रैक की पूरी जानकारी दूंगा, आपको आगे लेकर चलता हूं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं ये ट्रैक का काम अभी हो रहा है, चलिए आगे चल के देख रहे हैं दोस्तों। ये आखिरी लाइन है, ये प्लेटफार्म नंबर 4 से सीधी बरेली वाली लाइन में आगे जाके ये 2 लाइनें जोड़ी जाएंगी दोस्तों। ये वो जगह आ गई है जहाँ पर पहले केबिन हुआ करता था, इस केबिन की अपडेट वीडियो मैं आपके पास डाल चुका हूं दोस्तों अपने चैनल पर, वो भी देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ये यहां पर केबिन था, इस केबिन को तोड़कर यहां से ट्रैक सीधी डाली जा रही है। ये ट्रैक सीधी जहां तक जाएगी मैं आपको उस ट्रैक वहाँ पर लेकर चलूँगा दोस्तों, मेरे साथ वीडियो पर बने रहिएगा। और दोस्तों एक काम ज़रूर करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और वीडियो बुरी लगे तो डिसलाइक करना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे तो हमें आगे और आने वाले बनाने वाली वीडियो का हौसला मिलेगा। ये कैचियाँ डाल के वो जो 2 ट्रैक 3 नंबर और 4 नंबर से आ रही हैं उसको 3 जगह विभाजित करके आगे जाके फिर इसको 2 जगह कैची डालकर डबल लाइन किया जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो अगर बुरी लगे तो डिसलाइक करना, डिसलाइक से हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो बुरी है, कितने लोगों को बुरी लगी, तो हम आगे और भी अच्छी वीडियो बना सकें, इसके लिए हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है लोगों दोस्तों, लाइक और डिसलाइक से। ये वो स्टॉपर है जो मैंने बताया था, आगे आगे स्टॉपर बन गया। ये वो जगह है जहाँ से लाइन आगे बढ़ाई जाएगी, बीच में ये क्रॉसिंग है, ये मंडी समिति वाली क्रॉसिंग भी बोलते हैं इसको और डिग्री कॉलेज वाली क्रॉसिंग भी बोलते हैं दोस्तों। इस क्रॉसिंग को ये इसके पुल को यहाँ से चौड़ा करके और काफ़ी चौड़ी क्रॉसिंग करी जाएगी। ये इसके लिए गड्ढा भी खोदा जा चुका है इसके लॉकर के लिए, क्रॉसिंग के इस क्रॉसिंग में लगभग 3 लाइनें गुजरेंगी दोस्तों। चलिए आगे आपको दिखाते हैं, ये वो क्रॉसिंग है दोस्तों, यहाँ से इसको चौड़ा करके इसमें 3 लाइनें गुजरेंगी दोस्तों। फिलहाल तो फिस प्लीज इसमें एक ही लाइन है इस क्रॉसिंग से गुजरी है, लेकिन आने वाले वक्त में इसमें लगभग 3 लाइनें इस रोड पर से गुजर कर जाएंगी, इसका क्रॉसिंग को चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए ये गड्ढा खोदा जा चुका है और आगे जो बरेली की ट्रैक जा रही है उसकी पूरी जानकारी दूंगा। ये उस ट्रैक क्रॉसिंग के पार के ट्रैक की जानकारी है दोस्तों। ये अभी यहाँ पर गिट्टी डालने और लाइन बिछाने का काम हो रहा है, आगे जाकर आपको दिखाऊंगा कहाँ से आप इस ट्रैक में बैंड देकर किधर से मोड़कर और कहाँ से जोड़ा जाएगा इस ट्रैक को, आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए। चलिए आगे लेके चल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, देखिए आप क्रॉसिंग पे के पार का ये नज़ारा है। ये ट्रैक में गिट्टी डाली जा चुकी है, अभी इसका काम हो रहा है, ये इसको डबल यहाँ से कर आगे जाकर मैं आपको दिखाऊँगा कैसे करके ट्रैक डाली जा रही है, मेरे साथ वीडियो पर बने रहिएगा। इस ट्रैक को आगे ले जाकर, ये बरेली वाली मेन ट्रैक है, आप राइट साइड में देख रहे हैं जिस पे लोग चल रहे हैं, इस ट्रैक में इसको जोड़ा जाएगा। वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से इस ट्रैक को
जोड़ा जाएगा। मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए। फिलहाल तो ये देखिए आरसीसी के स्लीपर रखें, काफ़ी धीमी गति में यहाँ पर प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 की ट्रैक का कार्य हो रहा है। इस हिसाब से ऐसा लगता है दोस्तों काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस ट्रैक को ऊँचा और लेवल बनाने के लिए इसके नीचे जगह करके डाला जा रहा है। मैं सब आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए। फिलहाल तो मैं वो जगह दिखाऊंगा जहां से इस ट्रैक को जोड़कर सिंगल ट्रैक में बनाया जाएगा। वो जगह ये देखिए, यहां से सिंगल हो चुकी है ट्रैक। ये कैचियाँ डाल के इसे सीधा जाकर किया जा चुका है। ये आगे ले जाकर इस ट्रैक में मिला दी जाएगी दोस्तों। इसके आगे जो क्रॉसिंग की जानकारी है, इसके आगे एक क्रॉसिंग और वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैं वापस चल के आपको इस ट्रैक की पूरी जानकारी देता हूं, दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए काफ़ी ऊंची यहां पर जगह में मिट्टी का भराव कुछ कम था, तो इसलिए इस ट्रैक को थोड़ा ऊंचा करके नीचे डाला जा रहा है। इसको इस जगह को लेवल किया जाएगा गिट्टियाँ डाल के। ये देखिए कितनी काफ़ी कितनी ऊँची डाली जा रही है ज़मीन से। इसको एक्सा करने के लिए इसमें काफ़ी मात्रा में गिट्टियाँ डाली जाएंगी। फ़िलहाल तो अभी वीडियो में इतना ही है दोस्तों, आगे मैं आपको वो क्रॉसिंग दिखाऊंगा जहाँ से बरेली की लाइन जाएगी। ये दूसरी ट्रैक जो है वो सीधी प्लेटफार्म नंबर 4 से इस ट्रैक में आकर मिलाई जाएगी दोस्तों। आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको इस क्रॉसिंग की पूरी अपडेट दी है दोस्तों मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और वीडियो नहीं लगे तो डिसलाइक करना दोस्तों। नौगमा क्रॉसिंग यहाँ से सिंगल ट्रैक हो गई है। इसके पीछे से मैंने आपको दिखाया अभी वीडियो में, उस ट्रैक को जोड़कर इस ट्रैक में सिंगल किया जाएगा। ये सीधा स्टेशन की तरफ ये ट्रैक जा रही है दोस्तों, और ये दूसरी साइड जो है वो बरेली साइड में जा रही है दोस्तों। सामने आगे जाकर देवा का पुल पड़ेगा, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने जूम कर दिया, ये बरेली वाली लाइन है और ये ऊपर ओवर ब्रिज है। इसके नीचे से अंडरपास का कार्य की मंजूरी हुई थी लेकिन इस पर स्टे लगा दिया गया है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। नए दर्शक हमारे चैनल को